का अड्डा बन चुका है काके थाना। ये काके थाना का रवैया आज का बात नहीं है, हम लोग देवेंद्र भैया का अपमान को एकदम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन दोषी दुर्व्यवहार किए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग जो है कि आगे उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क पर जाम करेंगे, हुड़का जाम करेंगे, रांची भी बंद करने का काम कर सकते हैं। थाना में है और जिस तरह से कल रात एक वीडियो वायरल हुआ था कि JBKCS के सक्रिय सदस्य देवेंद्र नाथ महतो के साथ कुछ लोग यहाँ पे कुछ कंप्लेन लेकर आए थे, लेकिन इन लोगों की बात को बिना सुने पुलिस पर जिस तरह से लोग जो हैं पूरी तरह से JBKCS के लोग और साथ में जो पीड़िता है वो लोग भी पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ मामला है ये सीधे तौर पर हम उन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। और अभी पुरजोर से पुलिस प्रशासन से बातें करने को लेकर इन लोग आए हुए हैं और जितने भी JBKCS के तमाम सक्रिय सदस्य कांके आसपास के हो और तमाम जो लोग हैं जो लगाते हुए JBKCS के समर्थक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। चलिए हम सीधे इन लोगों से वार्ता करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले तो जिस तरह से आप लोग अभी कांके थाना आए हुए हैं, क्या कुछ मामलों के साथ तमाम जो लोग आए हुए हैं, क्या कुछ दिक्कत उसका सामना करना पड़ा है? कल कांके थाना में शिकायत विवाद हुआ था, विवाद का शिकायत लेके थाना आया था, थाना में आने पर उसके उन लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अच्छा, दुर्व्यवहार, क्या कुछ मामला था जिस वजह से आप लोग को थाना आना पड़ा, लेकिन थाना में आप लोग का बात को रखा गया कि नहीं, सुना गया कि नहीं? हम लोग आज थाना आए हैं, कल देवेंद्र बाबू के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देवेंद्र बाबू हम लोग का झारखंड का एक आज के डेट में 32 खतियान का अग्रणी नेता है, उसके साथ ऐसा करना प्रशासन का रवैया गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं दादा आप? हम कांके ही, कांके थाना के क्षेत्र के हैं हम हैं। ये कांके थाना का रवैया जो है ये आज का बात नहीं है, चाहे कुछ भी आप छोटा सा भी मामला लेके आइए तो थाना प्रभारी का यही रवैया रहता है, वो अपने आप को सोचते हैं कि मेरे कंधे पे स्टार है तो मैं कांके क्षेत्र का दिग्गज आदमी हूँ। ऐसा बात नहीं है, आप वर्दी पे है इसलिए आपका सम्मान करते हैं, अन्यथा आज जिस तरह हमारे यूथ नेता देवेंद्र भैया के साथ अपमानित हुआ है, कल किसी के भी साथ होता है, होता नहीं और होते आ रहा है, हमेशा से यही हो रहा है कांके थाना में। रंगबाज दलाल यही सब का अड्डा बनते जा रहा है, बाहर में बड़ी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है कि दलालों से सावधान, दलाल अंदर नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर, आप अंदर नहीं बिठाते हैं, आप तो उनको चेयर में अंदर देते हैं, आप खुद उनको बैठाते हैं और आप बाहर में लिखते हैं आम आदमी के लिए, सिर्फ लिखते हैं कि आप दलालों से सावधान, दलालों से सावधान, कुछ नहीं। दलालों का अड्डा बन चुका है कांके थाना, ये कांके थाना का रवैया आज का बात नहीं है, हम लोग देवेंद्र भैया का अपमान को एकदम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल का दिन में होश, अगर हम लोग का मांग को अगर आज नहीं किया जाता है तो कल हम लोग कांके थाना में हुड़का जाम करने का प्रयास रहेगा और ये JBKCS का पुरजोर विरोध रहेगा कि आम आदमी के साथ ऐसा, जब हमारे नेता के साथ ऐसा किया जा रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा, और हमेशा होते आ रहा है और ये नहीं चाहते हम लोग कि आने वाला दिन में किसी के साथ हो और ना ही होने देंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो पूरा JBKCS का टीम इसके लिए तैयार है। चलिए, और भी लोग हैं, देवेंद्र नाथ महतो भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामलों के साथ ये रात में पहुंचे हुए थे। दीदी, जिस तरह से आप लोग कांके थाना आए हुए हैं, क्या कुछ मामला था जिस वजह से आप लोग को यहाँ आना पड़ा और रात में इस तरह का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था कि आप लोगों के साथ बदतर लगा रहे हैं, तो क्या कुछ मामला था? मामला क्या था, हम अपना जमीन में बोरिंग कर रहे थे, मेरा हस्बैंड को कोई जमीन दलाल जा करके बोल रहा है जमीन रजिस्ट्री करो, तो रजिस्ट्री कैसे करेंगे, मेरा जमीन है क्यों करेंगे हम? अच्छा, पुलिस प्रशासन के पास जब आप लेके आए थे बातों को तो पुलिस प्रशासन सुना कि नहीं लिया? नहीं लिया, नहीं मेरा कंप्लेन नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया है। कंप्लेन आप करने आए थे लेकिन आप लोगों ने नहीं, बहुत देर तक, एक घंटा तक रहे, हाँ, लेकिन नहीं लिया, नहीं लिया। अच्छा, हमारे बीच देवेंद्र दा है, क्या कुछ मामलों के साथ रात में पहुंचे थे, पूरा घटनाक्रम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का काम करिए, क्योंकि आप लोग अभी JBKCS के तमाम लोग आए हुए हैं, क्या कुछ मामलों के साथ यहाँ पहुंचे हुए कांके थाना? जी, कांके थाना हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य लोग पहुंचे हुए हैं, चूँकि कल गारू कांके में सोहराई डायर यात्रा का कार्यक्रम था जिसमें शामिल हुए थे अतिथि के रूप में, तो वहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने समस्या लेकर के आग्रह किया कि थोड़ा कांके थाना जाना है। उसी दरमियान में पूरा टीम में हम लोग डिस्कशन किए और हम लोग ने निर्णय लिए सर्वसम्मति से, चूँकि लोग सक्रिय सदस्य रहे हैं JBKCS का, तो हम लोग ने निर्णय लिया ठीक है, चलते हुए हम लोग घुसेंगे, मामला को जानेंगे, समझेंगे क्या है और थाना प्रभारी को निवेदन करेंगे उचित न्याय को लेकर के। उसी दरमियान में हम लोग यहाँ उतरे ही थे, किसी से कोई वार्ता भी नहीं हुआ, शायद थाना प्रभारी को पता भी नहीं चला होगा कि लोग कौन है, क्यों आए हैं, उसके बावजूद ये जानने के बजाय उन्होंने एक ऊँची आवाज़ में
तेवर बहुत हाई तेवर पे गाली गलौज करते हुए भद्दा भद्दा बात बोलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ जो ड्यूटी में तैनात थे, जो लगभग रात्रि 10 बजे का बात है, उन्होंने सीधे तौर पर के कहा कि मैं थाना प्रभारी हूँ, क्यों आए हो, यहाँ से भागो, अन्यथा मार के पीट के जेल भी भेज देंगे और ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मन गुस्सा में और दो चार को थप्पड़ भी मारा गया, लात जूता भी मारा गया। ये इस बात का सबूत चाहिए तो हम लोग के पास भी कुछ वीडियो फुटेज है और साथ ही साथ थाना के अंतर्गत जो है कि सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज रात्रि 10 बजे से 10:30 बजे तक निकाला जाए और उसमें सब चीज़ पता चल जाएगा। और इस तरह से अपमानित किया जाना, अभद्र व्यवहार किया जाना, थाना परिसर के अंदर वर्दी में तैनात ड्यूटी के पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो आम जनता का स्थिति क्या होगा। एक थाना जहां पे लिखा हुआ है आपके सेवा में 24x7 24 घंटा सातों दिन, और उस सेवा के अंतर्गत जो है कि एक कानून का एक रखवाला है थाना, उस थाना के अंतर्गत उस थाना से भरोसा करते हैं कि मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, कोई जुर्म नहीं होगा, कोई किसी तरह का कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई हमको टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन थाना के अंदर ही परिसर में ऑन ड्यूटी वर्दी के द्वारा अपमानित और अभद्र व्यवहार और गुंडागर्दी किया जाना यह राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए आज हम लोग आवेदन देने आए हैं और एक दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि एक दिन के अंदर रात्रि 10 बजे से 10:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज निकाल कर वो जो तैनात पुलिस प्रशासन दोषी दुर्व्यवहार किए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग जो है कि आगे उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क पर जाम करेंगे, हुड़का जाम करेंगे, रांची भी बंद करने का काम कर सकते हैं। लेकिन आगे ये आंदोलन हम लोग बहुत ज़ोर शोर से करेंगे, चूँकि आज एक थाना का मामला ही ऐसा नहीं है, ऐसा मामला कई थानों में होता होगा। इस सब को रोकना बहुत ज़रूरी है, गरीब किसान मजदूर के साथ अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से आप जिन मामलों को लेकर रात को आए थे वो मामला को सुना गया कि नहीं? देखिए मामला का तो बात ही नहीं हुआ। अच्छा, बात ही नहीं हुआ और पहले ही हम लोग को आते ही पैर रखते ही हम लोग के साथ धकेला धकेली किया गया और लात जूता करके गाली गलौज करके बाहर करने का काम कर दिया गया। तो उस दुर्व्यवहार किया ही गया कि बात हुआ ही नहीं, कुछ उस पर तो चर्चा ही नहीं हुआ। तो एक हम लोग आए हुए थे रात्रि के समय में और एक पुलिस प्रशासन का एक सम्मान होता है, एक वर्दी होता है, कानून का रखवाला होता है, लेकिन एक इज्जत मान सम्मान और कानून का रखवाला का वर्दी पहन करके इस तरह का गुंडागर्दी करना बहुत बड़ा जुर्म है, यह असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी काम है, इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं।